नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। नौतन प्रखंड के दक्षिण टेलुआ बरियारपुर वार्ड नंबर 14 में राम मूर्ति प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में बरियारपुर के शिवालय में ब्राह्मण जितेश पांडे द्वारा वेद मंत्र के साथ ध्वनि उच्चारण कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। बरियारपुर हनुमान आराधना मंडल के द्वारा तुलसीकृत रामचरितमानस सुंदरकांड का पाठ किया गया। शिवालय में अंतिम के समय प्रसाद वितरण किया गया और पूजा समिति के द्वारा भंडारा भी कराया गया। ग्रामीणों का कहना है, त्रेता युग में भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 वर्षों के बाद अयोध्या लौटे थे। उस उपलक्ष में घर घर दीप जलाया गया था। आज भगवान श्री राम अयोध्या में 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं। इस उपलक्ष में हम लोग सुंदरकांड का पाठ और पूजा आसन करवा कर रहे हैं। यह पूर्व से सनातन धर्म का प्रथा चली आ रही है, उसे सनातन धर्म का आज हम लोग प्रतिपालन कर रहे हैं। भगवान श्री राम अपने भक्तों को कल्याण करने वाले हैं। त्रेता युग से ही श्री राम अधर्म का नाश कर धर्म का स्थापना किए। आज श्री राम का अयोध्या में मूर्ति की प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया जा रहा है। पूजा कमेटी के अध्यक्ष पप्पू कुमार राय, अनीश कुमार राय, आलोक कुमार सिंह, सकलधारी सिंह, राम नरेश राव, राम नरेश सिंह, त्रिलोकी राय, अशोक कुमार सिंह, बच्चा कुमार राय आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज नाइन भारत के लिए त्रिलोकी राय की खास रिपोर्ट। पंचायत थाप टोला ढाला पर पहुंचे हुए हैं। यहां जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज सबसे ये यहां के लोग आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, जो अयोध्या में राम मंदिर में भगवान श्री राम का आज प्रतिष्ठा है और उस मूर्ति को प्रतिष्ठा को लेकर शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। तो आइए, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। हम आपको दिखाएंगे कि ये लोग राम धुन का महामंत्र का जाप कर रहे हैं और ये टोला बाई टोला गांव गांव ये परिभ्रमण करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। आज कई वर्षों के बाद श्री राम जी अयोध्या में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 500 वर्षों के बाद आज अयोध्या में उनकी मूर्ति का जो है प्रतिष्ठा किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा और मूर्ति को बैठाया जाएगा। आइए, हमारे सामने एक व्यक्ति मौजूद है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ आपका नाम क्या हुआ जी। ये बताइए, जो शोभा यात्रा निकल रहा है या किस उत्सव पर निकल रहा है? राम जन्मभूमि के उत्सव पर। तो ये जो राम जन्मभूमि कहाँ मनाया जा रहा है, मैं कहाँ प्रतिष्ठा है राम जन्म का? अयोध्या। अयोध्या में। तो आप लोग जो शोभा यात्रा में, शोभा यात्रा में कहाँ कहाँ तक ले आपका जो गाँव गाई गाँव क्या करेंगे? श्री राम के मनाएंगे, श्री राम के। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? जोरदार जी। आप ये जो ये मंदिर का जो अथी कर रहे हैं, मानिए राम धुन कर रहे हैं जी, राम धुन से आप क्या अथी साबित करना चाहते हैं? भगवान के जन्म के अथी आज भगवान के उत्सव पर जी। जी, जी। देखिए, हमारा सामने कैमरा पर बने रहिए और देखिए, बिकाऊ जादव जी है जो ये मंदिर बन रहा है, इनके पुजारी है और ये राम अयोध्या मंदिर में आज भगवान श्री राम की जो मूर्ति का प्रतिष्ठा किया जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसके उपलक्ष में ये लोग गांव गांव में जागरूक करेंगे सनातन धर्म के बारे में। आज सनातन धर्म कई वर्षों से ये दबा चला रहा है, आज बड़े से जागरूक हो रहा है और भगवान श्री राम के नाम पर यह धुन हो रहा है। आइए, हमारे सामने एक और व्यक्ति है, उनसे पूछना चाहते हैं, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जी। डॉक्टर प्रदीप कुमार राय जी, ये बताइए कि आप लोग जो शोभा यात्रा किस उत्सव में निकाल रहे हैं? भगवान राम के पुनर्स्थापना के उपलक्ष्य। तो भगवान श्री राम तो 14 वर्ष के बाद आए थे त्रेता युग में, 500 वर्ष के बाद आ रहे हैं। 500 वर्ष के बाद आ रहे हैं, तो 500 वर्ष के बाद कहाँ थे फिर भगवान श्री राम की? आप विदेशी आक्रांताओं ने मंदिर को भगवान को निवासित कर दिया था जी, लंबी लड़ाई के बाद, हजारों लोगों के बलिदान के बाद भगवान की पुनर्स्थापना हो रही है। देखिए, यहाँ डॉक्टर प्रदीप राय जी का कहा नाम है कि विदेशियों ने हमारे जो मंदिर को ये तोड़ करके इनको विलीन कर दिया था। आज कई वर्षों के बाद हम लोग, कई व्यक्ति मरने के बाद यानी संघर्षों के बाद, तब हम लोग आज फिर मंदिर का स्थापना किए हैं और उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में भारत के हर कोने में हर भारत
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।